दोस्तों आज जिक्र करते हैं 1965 की फिल्म वक्त का, बीआर चोपड़ा साहब की वक्त, जिसे डायरेक्ट किया था उनके छोटे भाई यश चोपड़ा साहब ने। ये पहली मल्टी स्टारर फिल्म भी मानी जाती है और बीआर चोपड़ा साहब की ये पहली कलर्ड फिल्म थी। इसके पहले उन्होंने बनाई थी गुमराह और कई फिल्में बनाई जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित हुआ करती थी, जैसे कि साधना, धर्मपुत्र, नया वक्त। फिल्म में रवि साहब ने इसका टाइटल सॉन्ग गाया, वक्त से दिन और रात। साहिर साहब ने लिखा, रवि साहब का म्यूजिक। रफी साहब बीआर चोपड़ा साहब के यहाँ कम गाने गाया करते थे, शुरू की फिल्मों में खूब गाया लेकिन बाद में किसी वजह से कम गाने गाए, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी रफी साहब की तो उन्होंने अपनी आवाज दी और क्या खूब दी। फिल्म वक्त दरअसल राज कपूर साहब बनाने जा रहे थे। हुआ यूं कि अख्तर मिर्जा राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर जा रहे थे। राज कपूर ने शाम में उन्हें बुलाया था लेकिन बीच में ही अख्तर मिर्जा बीआर चोपड़ा के घर चले गए और दिन का खाना वहीं खाया और इसी दौरान वक्त की कहानी सुना दी। थैली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। मेरी बात छोड़िए, मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता हूं। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़ा लड़का कुकू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा, और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बिठाऊंगा, और ये मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। और मैं कहता हूं पंडित जी, अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं राज करें। चोपड़ा साहब को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि अगर ये कहानी राज कपूर साहब को पसंद ना आए तो आप मुझे दे देना, मैं इस पर फिल्म जरूर बनाऊंगा। अख्तर मिर्जा राज कपूर के पास गए, कहानी सुनाई। राज कपूर को कहानी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। वहीं से अख्तर मिर्जा ने बीआर चोपड़ा को फोन किया और कहा, कहानी आपकी हुई। तो इस तरह से ये कहानी राज कपूर साहब के पास से बीआर चोपड़ा के पास आ गई और हम सबको मिली एक बेहतरीन फिल्म वक्त। यही होता है वक्त। इस फिल्म को राज कपूर साहब ना बना सके और बीआर चोपड़ा ने बनाया, और फिर इस फिल्म ने किस तरह का इतिहास रचा ये बताने की जरूरत नहीं। गीत और संगीत तो इस फिल्म का लाजवाब था और आज भी है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी कुछ और दिलचस्प बातें लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर, अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं फराज, आपको लेके जाऊंगा फिल्मों के सफर पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहां हैं दिलकश नगमे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफर बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।